तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपको आज लेकर चलता हूं राजनगर एक्सटेंशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियल स्टेट डेस्टिनेशन, नॉट जस्ट फॉर गाजियाबाद बट ऑल्सो फॉर NCR. सो लेट्स विजिट इट. हाय गाइस, आई एम इन राजनगर एक्सटेंशन. ये जगह पिछले 5-10 सालों में सच में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई. दिस प्लेस हैज़ कम अलाइव इन द लास्ट 5-10 ईयर्स. इट हैज़ कम टू इट्स ओन. एंड आज यहाँ की सैर करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है और प्रोडक्ट कैसा है. होपफुली कोई मुझे अंदर घुसने देगा, ब्लॉक करने देगा, बट चांसेस कम है. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे पूरे राजनगर एक्सटेंशन में. और बेसिकली राजनगर एक्सटेंशन भी दो तरीके से बना हुआ है. कुछ राजनगर एक्सटेंशन का पार्ट बना था अब से करीब 8-10 साल पहले, तो कुछ बिल्डिंग्स थोड़ी ज़्यादा पुरानी हैं, कुछ काफ़ी नई हैं. यहाँ पे हर जगह आपको रियल स्टेट की भरमार दिखेगी. आई थिंक गाजियाबाद का सबसे वेल प्लान्ड तो नहीं कहूँगा, बट लार्ज स्केल पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का, वो राजनगर एक्सटेंशन में हुआ है. तो आइए देखते कुछ और, आगे बढ़ते देखते क्या क्या है. So when we talk about Rajnagar extension, we also talk about the connectivity. So सड़क के दोनों तरफ commercial projects भी बन रहे हैं, retail spaces भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे schools भी हैं like DPS and I believe DD Goenka is also there. But ये जो particular road है, ये special इस चीज़ के लिए कि ये जो core Rajnagar extension है उससे ही आपको Delhi की तरफ लेके जाती है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा elevated road है. Connectivity की मैं बात कर रहा था, जिस road के बारे में मैं बात कर रहा था वो आ गई है. तो अगर हम यहाँ से यूज कर लेंगे तो विल गो टूवर्ड्स. अभी ये रोड बंद कर दी गई है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. शायद आगे भी कुछ खोला गया होगा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता होगा. तो आज बहुत इवेंट है, नाइट टाइम गर्मी नहीं है, इट्स रियली वेरी फ्रीजी. पापा की एक्टिवा लेके आया हूँ. पापा की एक्टिवा लाया हूँ तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी. तो यूज कर, तो ये जो आप एंड यूजुअली राजनगर एक्सटेंशन में जो लोग दिल्ली काम करते हैं, गुड़गांव नोएडा काम करते हैं, दे यूजुअली टेक दिस पर्टिकुलर रोड. तो ये नया यू टर्न खोल दिया गया है. यहाँ से यू टर्न लेंगे अगर हम, अगर लेफ्ट जाएंगे इस यू टर्न से, इस रोड कनेक्टिविटी वाली रोड से, तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे यानी कि उस तरफ से. और अगर हम सीधे जाएंगे तो हम अगेन मेरठ की तरफ जाएंगे और क्रॉसिंग राजनगर एक्सटेंशन दिखेगा. बार बार क्रॉसिंग रिपब्लिक से निकल जाता है. सो हम ऊपर नहीं जा रहे हैं बिकॉज आई डोंट फील दैट इट इज सेफ फॉर अ टू व्हीलर टू ट्रैवल ऑन दैट स्पीड. सो हम गोल चक्कर से सीधा राजनगर एक्सटेंशन ही जाएंगे. हम कंटिन्यू करते हैं राजनगर एक्सटेंशन की टूर. पापा की एक्टिवा पे खूब मज़े ले रहा हूँ मैं आज. यार थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है ना एक्टिवा पे, गाड़ी में यू कांट शूट, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन ऑन एन एक्टिवा विद लो स्पीड, कम स्पीड पे आप अच्छे से ब्लॉक कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो PropTron पे मेरा आइडिया बेसिकली यही है कि जो भी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो तो अभी चल ही रहा है काम. विद ऑल आर रिसोर्सेज वी आर बीइंग वेरी रिसोर्सफुल. शिव भाई वन ऑफ द गाइज हु इज टेकिंग केयर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट ऑफ द कंपनी राइट नाउ इज डूइंग अ गुड जॉब. और मेरी कोशिश ये है कि मैं डिफरेंट एवेन्यूज से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि PropTron क्या है और लोगों की हेल्प कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ यू नो easing out the process of selecting a property, buying it, going through the transaction thing. इसीलिए आज मुझे लगा कि extension आना बहुत ज़रूरी है. तो मैं extension आया हूँ. बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके चीज़ों को निहारते हैं, देखते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, शायद हो सकता है कि उनके प्लॉट. सो वी आर ऑन अ जर्नी राइट. थोड़ा बहुत मुझे अपने बारे में बताना पड़ता है बीच बीच में, ज़रूरी भी है एट दिस टाइम एंड एज. इफ़ यू डोंट talk about the reason why you are starting it, then people don't get it. So my reason for starting vlogs is not about telling who I am, what I do, but it's more to do with my services and the product, largely to do with PropTron. So if it helps, it helps, right? Yes, the property. Please remind me of a certain region of Gurgaon, like wahan bhi ek golf course extension hai और सोना रोड की तरफ काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ग्रीनरी बहुत है. तो यहाँ पे भी ग्रीनरी बहुत है. एंड ये देखिए आप खेत हैं, देश में बहुत सारे शहरों के पास खेत ख़त्म हो गए हैं, बट गाजियाबाद इज़ अ डिफरेंट प्लेस, इट्स अ यूनिक प्लेस. दिस इज एन अमलगमेशन ऑफ बोथ यू नो अ कंट्री साइड व्यू, यू कैन गेट अ कंट्री साइड व्यू एज वेल अ वेरी अर्बन लोकेशन.
ये अच्छी हाई राइज है. आई थिंक ये मैं इसको काफ़ी टाइम से इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ. इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. आई डोंट नो द नेम ऑफ द बिल्डिंग बट लेट्स सी, देखते हैं क्या नाम है बिल्डिंग का. ऑन द लेफ्ट साइड ये बिल्डिंग थोड़ी शुरू से ही मुझे लगती है कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है. ये लोग बेचारे खड़े हुए हैं. भैया कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है भैया ये? अच्छा अच्छा ARP, ये नया प्रोजेक्ट है? ये नया प्रोजेक्ट. अच्छा तो ये ये कब बना था? ये बना दो अभी सर, 100 है. थोड़ा आगे कर लूँ भैया, कभी पीछे से कोई मार जाए. हाँ जी पाँच पहले बिल्डिंग तो काफी टाइम से खड़ी थी. बिल्डिंग काफी टाइम से ना खड़ी, हैंड ओवर सर अब तुम्हारी वो दिया गया. तो क्या इसका BS, इसका 2 BHK का 3 BHK का बेसिक सेलिंग प्राइस क्या है? BS क्या है? 2975 2975. अच्छा ऑल इंक्लूडिव इंक्लूसिव. तो इसमें 2 BHK 3 BHK और क्या साइजेस क्या है? 1150 2 BHK 1130 1130. कितने का पड़ेगा ये सर? आपको लगभग 34 का पड़ेगा जाके. सबसे छोटा 1150. अच्छा एक बार फ्लैट देख लो सर. मैं आपका इस पर नंबर लिखा है मेरे व्यूवर्स, मेरे एक चैनल है यूट्यूब पे, शायद कोई देख के आपको फोन देख रहे हैं यूट्यूब वाला चैनल. हाँ यूट्यूब पे शायद हो सकता है कि कोई देखे. आपका गुड नेम? सुनील चौहान. हो सकता है कि कोई आपसे कांटेक्ट करे. आपका नाम? अजय चौधरी. बिल्कुल सर, कोई ना कोई ज़रूर आपसे बात करेगा और होपफुली हम भी कभी ना कभी आपके पास ज़रूर आएंगे. अच्छी बिल्डिंग है भाई साहब. कौन सा प्रोजेक्ट है वहाँ पे? अच्छा ये जो बन रहा है पीछे वाला, इसमें बना हुआ भी है? अच्छा तो ये कितने का, क्या BSP क्या है इसका? MSP BSP क्या आ रहा है इसका? थोड़ा सा आगे कर लेते बट एक सेकंड आगे कर लेते. आपका नाम क्या भैया? ललित जी, बताइए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में. ये 1250 सुपर. हाँ कितने का पड़ जाएगा ये? ये 1250 पड़ेगा आपको 42 के समथिंग. 42 लाख. रजिस्ट्री की कॉस्ट इंक्लूडेड है? अच्छा रजिस्ट्री उसमें 42 लाख में इंक्लूडेड है. स्टाम्प खरीदना नहीं पड़ेगा अलग से? स्टाम्प अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा. ये कब तक पोजेशन मिल जाएगा इसका? ये तो सर टू मूव है. ये लेफ्ट वाला, ये वाइट वाला, ऑरेंज वाला. अच्छा बोल जी सर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले का नाम कुछ और है या वो चाम्स कासल नहीं है उसका नाम? चाम्स कासल ही है. गेटवे टावर्स. और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले उनका क्या नाम है? उनका भी यही नाम है इनका, ये ट्विन टावर्स. अच्छा ठीक है भाई साहब, थैंक यू. तो हमारा एक्सटेंशन का जो एक वॉक थ्रू था बार बार का, वो ख़त्म हो गया है. बेसिकली मोटे मोटे पॉइंट्स जो हम ले सकते हैं वो ये कि इट्स अ वेरी नाइस लोकेशन, वेरी वेल स्प्रेड आउट, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कूल्स हैं, गुड ब्रांडेड स्कूल्स आर देयर. इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ज़्यादातर डोमेस्टिक डेवलपर्स हैं, गाजियाबाद रीजन के ही हैं. कोई बहुत बड़ा डेवलपर लाइक DLF दे हैवंट अप्रूव दिस पर्टिकुलर प्लेस येट. दे आर नॉट इन प्लानिंग बिकॉज कहीं ना कहीं दिख जाता अगर उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा हुआ होता है या कुछ बात होती तो वो सुख घाट मिलती. तो बड़ा कोई भी डेवलपर नहीं है. दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाई इन कोलाब्रेशन विद GDA एंड डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एंड देन विद द लोकल डेवलपर्स. तो उनका किया हुआ ये एक प्रोजेक्ट है. काफ़ी कम से कम 20-30 डेवलपर्स की बिल्डिंग तो यहाँ होगी, और 20-30 ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने कोशिश की बिल्डिंग बनाने की पर बन नहीं पाई. रेट्स का आपने वीडियो में देखा होगा, जब मैंने 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लोगों से बात करने की कोशिश करी तो वहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट्स के रेट का कुछ आइडिया मिला हल्का फुल्का. तो अगर बजट की बात है, गाजियाबाद में आपको घर चाहिए बजट रेंज में, लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद 30 गोइंग टिल 50 मे बी 55-60 लाख्स, यू कैन गेट अ गुड हाउस. बट सारी बिल्डिंग्स को कंसिडर मत कीजिएगा. VVIP इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, तो उसको बेंचमार्क मार्केट चलते हैं. अगर उसको आप एक बार ज़रूर विजिट करें और उसके बाद एम्यूनिटीज़ वगैरह के हिसाब से जो बेटर आपको कंपेरेबल मिले उसमें देखिए, उन प्रोजेक्ट्स को देखिए, और फ्यूचर में हम भी नए नए प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे, रिव्यूज़ लेके आएंगे.